पता है यार कि ओलंपिक का माहौल चल रहा है, तो जितने भी दर्शक हैं हमारे एजुकेट इंडिया की फैमिली बन चुकी है, जितने भी फैमिली मेंबर देख रहे हैं आप, यार एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। सच में भाई, है ना, आपकी पूरी एथलेटिक है ना, पूरे यार साम्राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है जब गोल्ड, यार देखो छोटी छोटी खुशियां तो हमें मिल ही रही थी कि सिल्वर आ गया आपका, ठीक है ब्रॉन्ज मेडल आ गया, बट एक जो देश के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड का मोमेंट है भाई, गोल्ड भी हमारे देश ने जीत लिया है, ये बहुत क्या ही बड़ा बात है सर, प्राउड। क्या बात है, पूरा एकदम माहौल बदल चुका है सर। एकदम भाई, सारे लोग जान तो चुके ही हो गए नीरज चोपड़ा भाई साहब को, है ना, इन्होंने जेवलिन थ्रो में सबसे लंबा थ्रो, ठीक है, अभी फेंक के फाइनली पूरे देश को गौरव महसूस कराया है। और देखो कहीं ना कहीं यार, अगर आप अगर एक सच्चे इंडियन हो, कहीं ना कहीं कहीं से भी एक खुशी जरूर महसूस होती है, भले आप एथलेटिक, हाँ एथलेटिक हो या ना हो, लेकिन एक खुशी अंदर से जरूर महसूस होती है यार कि अगर आपकी देश ने क्या करा है, गोल्ड जीता है, एक अलग ही खुशी महसूस भाई। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया में सिल्वर आ चुका था, ब्रॉन्ज आ चुका था, बट अब गोल्ड भी इंडिया में आ चुका है, क्या बात है सर, दिल से तहे दिल से धन्यवाद सर, और जय हिंद हमारे ओर से और हमारी टीम मेंबर की ओर से। तो सर क्या प्रोसेस रहा उनका? देखो एक चीज़ आप समझो यार कि इतने दिनों से आप देख रहे हो कि लोग, मतलब सारे लोग मेहनत कर रहे हैं यार, हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, वुमेन हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम, सारी टीम्स में ने अपना एफर्ट दिया, सब ने जीता, बट गोल्ड अभी तक कोई नहीं जीत पाया था। फिर भी नीरज भाई ने, है ना, नीरज सर ने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। वैसे ही बच्चों आप भी बिलीव करो अपने अंदर कि आप भी कर सकते हो और करोगे, ठीक है, बस अपने अंदर बिलीव रखना है। जबकि आपकी पूरी देश के प्लेयर्स वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे सारे देखो अपना बेस्ट दे रहे हैं, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो सिंपल सी बात, इससे आपको क्या सीख मिलती है? सिंपल सी बात है भाई, आपको भी मोटिवेटेड रहना है चाहे जो हो, ठीक है, कोई अगर गलत हो रहा हो किसी के साथ, कहीं पे भी चीज़ें रिजल्ट नहीं मिल रही हो, फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप पे बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ वो काम। तो हम और हमारी टीम साथ में मेहनत कर रही है, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमको भी मोटिवेटेड रहना है, एक ना एक दिन जीत हमको भी मिलने वाली है। बिल्कुल, ठीक है, तो एक बार नीरज सर के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोल दो यार, क्योंकि प्राउड मोमेंट ऑफ इंडिया, मतलब समझ रहे हो, गोल्ड, जय हिंद बोल देना भाई, जय हिंद नीरज सर, जय हिंद।